आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, सोने की कीमतों का टूटा 28 महीनों का रिकॉर्ड। घरेलू इस वक्त आ रही है सबसे बड़ी खबर, क्योंकि गोल्ड की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आ गई है। तो क्या आपको सोना इस भाव पर खरीद लेना चाहिए या और दाम घटने का इंतजार? दुनिया के कई देशों में मंदी का साया पसर चुका है। रॉयटर्स के एक सर्वे में दावा यह किया गया है कि महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए जारी ब्याज दरों में बढ़ोतरी अब मंदी कई देशों को अपनी चपेट में लेने। अगर आप भी सोना या चांदी में निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। अगर आप भी शादी ब्याह के लिए सोना खरीदना चाहते हो तो आपके लिए बड़ी खबर आ चुकी है। सोने की खरीदारी से पहले इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सोने का भाव कब सस्ता होगा, सोने की कीमतों में कब गिरावट आ सकती है। ऐसे में इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। भारत में शादी ब्याह के त्योहार में करोड़ों का सोना खरीदा जाता है। जितना सोना एक साल में अमेरिका नहीं खरीदता उससे ज्यादा तो सोना भारत की महिलाएं दिवाली के मौके पर खरीद लेती है। लेकिन इस बार सोने का भाव आसमान को छू रहा है। सोने की कीमतों ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर सोने और चांदी की कीमतों में भारी बदलाव क्यों आ रहा है। दुनिया भर में यही चिंता थी कि महंगाई आने वाली है और कई देशों को बर्बाद करेगी। ऐसा माना जा रहा था कि अमेरिका जैसे बड़े देशों को भी महंगाई अपना शिकार बनाएगी, लेकिन अमेरिका ही नहीं बल्कि भारत पर भी महंगाई का कोई असर नहीं हुआ। अर्थव्यवस्था में तेजी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ा है। पिछले कई दिनों में सोने की कीमतों में तेजी के बाद अब गिरावट का दौर शुरू हो चुका है। कारोबारियों का मानना है कि महंगाई का असर सीधे तौर पर सोने की कीमतों पर पड़ता है, इससे सोने की कीमतों में तेजी आती है। हालांकि भारत और बाकी देशों की स्थिति सामान्य है, ऐसे में सोने की कीमतों में गिरावट दिखाई दे रही है। सोने की कीमतों की बात करें तो उच्चतम स्तर से सोना 4,000 से 5,000 तक की गिरावट देखने को मिली है। कारोबारियों का मानना है कि अगर आप शादी ब्याह के लिए सोना खरीदना चाहते हो तो सुनहरा मौका साबित हो सकता है, क्योंकि सोने की भाव में काफी अच्छी गिरावट आई है। दिवाली के त्योहार पर सोने की मांग ज्यादा रहती है, जिससे सोने की कीमतों में गिरावट के बाद भी तेजी बनी रहती है। ऐसे में अगर आप सस्ते में सोना खरीदना चाहते हो तो हमेशा ऑफ सीजन में सोना खरीदें। इस साल की बात करें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में विवाह मुहूर्त नहीं, ऐसे में आप इस महीने सोना खरीद सकते हो। अगर आप भी चाहते हो कि सोना सस्ता होना चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।